नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो नीचे लाल रंग वाला बटन है उसे दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे वाला बटन दबाइए जिससे न्यू जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं देसी कपास पे, बीटी कपास के बारे में, जिसके अंदर ये पैराबिल्ट रोग आता है, जैसे पौधा मुरझा के खड़ा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, कपास की जी अपेक्षा अधिक होती है, जो देसी कपास है उसके से बीटी कपास की अपेक्षा अधिक होती है, वो सूक्ष्म तत्व अधिकांश जमीन से अधिक लेता है, जिससे इस प्रकार ये पौधा है जो कमज़ोर हो जाता है, सूख के और पत्ते मुरझाने लग जाते हैं, जिससे कुछ किसान भाई है कपास में केवल है नाइट्रोजन फास्फोरस या कुछ किसान इन दोनों के अलावा पोटास और जिंक तत्व की सूक्ष्म का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता होती है। अधिकांश किसान इन सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग बीटी नरमा कपास में नहीं करते। अब फल की चरम अवस्था है पर पौधे इन सूक्ष्म तत्वों की कमी महसूस कर रहा है, जिसके कारण एकदम मुरझा जाता है। ये देख सकते हैं आप इस फोटो में, इससे पौधे की पत्तियां कभी कभी बैंगनी हो जाती है, धब्बे दिखाई देने लगते हैं, कभी कभी स्वस्थ पौधा भी मुरझा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पैराबिल्ट, बिल्ट आ गई ये हम कह देते हैं। साधारणतः यह स्थिति जो सिंचाई व ज़्यादा बारिश के कारण अत्यधिक आने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई व अधिक बरसात से क्या होता है, पानी हमारे प्लांट में अधिक जमा हो जाता है और ये पानी का अवशोषण है जो जल्दी जल्दी करता है, जिसके कारण इनके जाइलम होते हैं ना, जाइलम में हवा प्रविष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप ये है कि पौधा जमीन से भी पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता और यह मुरझाकर मर जाता है। तो किसान भाइयों, इसकी हम रोकथाम किस प्रकार करें, तो इसके आपको दो तीन मुख्य कारण है वो बता दूं। इसकी रोकथाम के लिए एक तो गहरी सिंचाई ना करें, हल्की सिंचाई करें किसान भाइयों, और यदि संभव हो सिंचाई से पहले मिट्टी पोली कर दें। हमारे यहाँ पे किसान भाइयों, पौधा बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर हल वगैरह तो चलता नहीं, मिट्टी हम कर नहीं सकते पोली, तो इसके बाद एक हम स्प्रे आती है वो कर सकते हैं किसान भाइयों। सिंचाई करने के बाद कोबाल्ट क्लोराइड की दवा आती है, जो 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, मल्टीप्लेक्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, 3-4 ml है, जो प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे हमें किसान भाइयों कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल सकता है और पौधा इस तरह मुरझाएगा नहीं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो हमें ये पत्तों से जो ग्रहण करा देंगे, तो ये कुछ फर्क पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर करें, वे आगे से आगे किसान भाइयों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी कुछ पता चले इसके बारे में। तो किसान भाइयों, अगली वीडियो हम जो हमारे प्लांट है उसमें जाके बनाएंगे, आपको दिखाएंगे किस प्रकार हमने ऐसे बिल्ट आ रखी है हमारे प्लांट में, तो किससे उस पर स्प्रे की है और कितना रिजल्ट है वो आपको दिखाएंगे। तो तब तक ले आपको नमस्कार किसान भाइयों।